हाँ जी, तुसी देख रहे हो जिंदाबाद चैनल ते मैं अमनदीप सिंह गड़ी। सो अज लेटेस्ट अपडेट लेके आए हुए हैं जिन्हों मसलों उत्ते गल कर लिए, जिन्हों मसलों उत्ते कांग्रेस जिहड़ी आ पिछले जिहड़े आ सत्ता दे विच आई सी, पांच साल तकरीबन होण दा समां जिहड़ा नज़दीक आया वा, मसले नशियां नूं लैके सी, मसले बेअदबी नूं लैके सी। सो लेटेस्ट अपडेट जिहड़ी हैगी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा आ जवाहर सिंह वाला पिंड जवाहर सिंह वाला जिहड़ा जिथे गुरु महाराज के जिहड़े सरूप चोरी होए सी, जिथों बेअदबी होए सी, उत्थे जिहड़े आ पहुँचे आ, पहुँच के लोगों विच गलबात की, उन्होंने दिलासा दवाया कि जल्द तो जल्द जिहड़ा आ इंसाफ जिहड़ा मिलेगा। उन्होंने कहना है कि जिहड़े उत्थे गुरु महाराज खुद जिहड़ा आ इंसाफ दूंगे, जो भी जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां, जिन्हां ने यह घिनौना जिहड़ा काम किया आ। दस देना चाहुंदे आ कि कल भी जिहड़ी आ डेढ़ महीने लगातार डेढ़ महीने सुलह सफाई चलण दे बाद नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों अस्तीफे की गल की गई सी, अस्तीफा दिता गया सी पंजाब प्रदेश कांग्रेस नूं। पर दस देना चाहुंदे आ कि जिहड़ा अस्तीफा है उसनों लिया नहीं सी गया, हालांकि उहदे पर विचार वटांदरा चल रहा सीगा, ते डेढ़ महीने लगातार सुलह सफाई चलण तों बाद जिहड़ा अस्तीफा आ जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने वह वापस लै लिया, क्योंकि जनरल एडवोकेट जिहड़े आ नवें नियुक्त किए गए आ, डी जे पी जिहड़े आ नवें नियुक्त किए गए आ, उन्हां दा कहना सीगा कि नवें जिहड़े डी जे पी इन्हां जिहड़े डी जे पी ते जनरल एडवोकेट आ इन्हां दे सिर ते ही जिहड़ा आ आपां बेअदबी दे मसले ते नशियां दे मसलियां नूं जिहड़ा ठल पा सकदे आ, जो भी इंसाफ जिहड़ा आ उह आपां इन्हां दे सिर ते जिहड़ा आ उह दवा सकदे आ। उन्हां दा इह कहना सीगा, उन्हां दा कहना सी जो पुराने जिहड़े आ डी जे पी ते जनरल एडवोकेट लगाए सी, उह तां खुद पहलां सुमेध सैनी दी जिहड़ी आ केस दी पैरावाई कर रहे सीगे, क्योंकि सुमेध सैनी जिहड़ा आ दोषी है, उसनों जो पंजाब का घाण होया उस दोषी पाया जाता है। सो उदे पहले ही केस की जिहड़ी आ पैरावाई जिहड़े आ उह जनरल एडवोकेट ते जिहड़े डी जे पी उह पहले ही कर रहे ने, ते उन्हां नूं ही दुबारा लगा दिता गया, ते हुण जदों उन्हां नूं हटाया गया नवें जिहड़े आ उह अहुदेदार लगाए गए आ, ते इहदे पर नवजोत सिंह सिद्धू खुश दिखाई दे रहे आ। नाल ही नाल उन्हां ने अपनी ही सरकार उत्ते निशाना सीधा कि जिहड़ी वादे करके सरकार सत्ता दे विच आई सी, जिहड़े वादे करके सरकार ने पंजाब की सत्ता दे विच पैर रखिया सी, कहा सी लोगों नूं नशे दूर करांगे, नशियां तों मुक्त पंजाब बनावांगे, बेअदबी दे जिहड़े दोषी आ उन्हां नूं सजावां दवावांगे, उह जिहड़े मसले आ उह चन्नी सरकार नूं उठाउण दे लई कहा, ते इन्हां मसलियां उत्ते गंभीर जिहड़ा रूप नाल देखण नूं कहा, तां कि जिहड़े मसले सामने लिआंदे जाण, जिहड़े वादे सरकार ने कीते उह पूरे कीते जाण। 2 महीने का समां जिहड़ा लंघ चुक्या, नवजोत सिंह सिद्धू का कहना जिहड़ा 2 महीने का समां लंघ चुक्या आ, इहदे पर सरकार नूं जिहड़ा आ गौर करनी चाहीदी, हुण तक किहड़े काम होए ते जिहड़े खास मुद्दे आ उहनां नूं जिहड़ा चुकना चाहिदा। ते नाल ही फिर एक बार दस देना चाहुंदे आ कि जिहड़ा बुरज जवाहर सिंह वाला नवजोत सिंह सिद्धू अज सवेरे जिहड़ा आ नतमस्तक होए आ, ते उन्हां ने लोकां नूं जिहड़ा आ लोकां दे नाल गलबात कीती, उत्थे दे सिख भरावां नाल गलबात कीती, ते दस्सिया कि जल्द तो जल्द जिहड़ा आ इंसाफ जिहड़ा आ उह दित्ता जाऊगा, ते नाल ही नाल उन्हां दा कहना सीगा कि गुरु महाराज जिहड़े आ उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दी लोड़ नहीं, उह तां खुद एड्डी वड्डी शख्सियत आ, जिहड़े जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नूं सजावां अपने आप मिलणगियां, उह आप इस चीज़ दे दोषी ने। सो नाल ही नाल वीडियो चल रही है, फुटेज चल रही है, तुसी फुटेज जरूर देखो जी। और पूरी भी होनी जिहड़े सारे पंजाब दे लोकां दी सब तो वड्डी तांग है, एक मिसाली सजा दित्ती जावे उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने इह जघन्य अपराध करदा सोचिया नहीं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी सजा होवे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देखें तो कंबे आदमी, ठीक है, लेकिन ये करने की सोचे ना, ये गुरु ने आपे कर देना, आपे कर देना, बहुत कुछ किया जी आपे कर देना, वो जिंदा है और ये होगा, मेरी आस कदे नहीं होगी, तुसी भी अरदास करो और आने वाला समय कर देंगे, वही कर देंगे, असीं भी पातशाह दा अरदास करेंगे, बस अरदास बहुत मंग रहे हैं, बहुत न्याय का प्रकाश होगा, वो तो होना ही, और ये न्याय का प्रकाश होना है, और उन्हें एक मिसाल कायम करनी है पीढ़ी दर। सो देख सकते हो कि फुटेज दे विच जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू आम लोगों के नाल गलबात कर रहे आ, उन्हां नूं दिलासा दे रहे आ, ते कह रहे आ कि हाँ जल्द तो जल्द जिहड़ा आ इंसाफ आ, गुरु महाराज जी जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नूं जल्द तो जल्द जिहड़ा आ इंसाफ दिता जाऊगा।